राजनीति के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हमारे खास मेहमान हैं एस वाई कुरैशी साहब। कुरैशी साहब भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं और इस समय भारत का निर्वाचन आयोग विवादों के घेरे में है। इन्हीं विवादों को लेके इनसे विस्तार में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग जो एक बार विवाद में फंसा हुआ है, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, राजनेता कितने जिम्मेदार हैं, सिस्टम कितना जिम्मेदार है, और खुद निर्वाचन आयोग में तैनात जो बड़े पदों पर लोग हैं उनकी कितनी भूमिका है। कुरैशी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या निर्वाचन आयोग, जो आप जैसे तमाम लोगों ने समय समय पर उसकी पारदर्शिता, उसकी निष्पक्षता, उसकी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तमाम तरह के दबावों को दरकिनार करते हुए उसको बचाए रखा, अब वो बचा रह पाएगा? या जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक गंभीर आरोप लग रहा है निर्वाचन आयोग पर, उसकी निष्पक्षता पर, उसकी विश्वसनीयता पर, उसको कोई खतरा दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, हर इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री में उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ फेजेस होते हैं जब क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इंस्टीट्यूशन इस किस्म के इंस्टीट्यूशन सर्वाइव ही करते हैं। 70 साल में इलेक्शन कमीशन ने जो रेपुटेशन हासिल की है, जब हम उस कुर्सी पे बैठते हैं तो हमें इसका एक बोझ महसूस होता है और बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि भाई देखो, ये एक ऐसे पद पे आप बैठे हैं जिसको कि गरिमा एक बुनियादी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, पूरे हिंदुस्तानी उसको देखते हैं, अपनी निगाह में रखते हैं। ऑटोमेटिकली कॉन्शियंस एक्टिव रहता है और कॉन्शियंस के खिलाफ ही डिसीजन होते हैं। बीच बीच में कभी एक दो फेजेज ऐसे आया जब किसी ने किसी की न्यूट्रलिटी पे उंगली उठी, लेकिन चूंकि अब ये मल्टी मेंबर कमीशन है 1993 से, उसके बाद से मेजॉरिटी फैसला जो होता था वो ठीक ही निकलता था। अभी भी जो विवाद हुआ, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक पर्टिकुलर एक ऑफिसर ज्योति पे जो अटैक होता था, ये बदकिस्मती की बात है क्योंकि उन्हीं ज्योति की अध्यक्षता में जो अहमद पटेल वाला के राज्यसभा का इलेक्शन था, उसी ने तो फैसला किया। तो उस वक्त लोगों ने उसकी वाहवा की, बाद में उन्होंने कुछ ऐसा फैसला किया कि जो इलेक्शन डेट थी उस पे कुछ उंगलियां उठी, वो ऐसा ना हुआ होता तो बहुत अच्छा होता। और आपने एक अच्छा सवाल किया कि ये किसी इंस्टीट्यूशन की गरिमा को बनाए रखना इंस्टीट्यूशन की ही जिम्मेदारी है या औरों की भी है। मैंने एक आर्टिकल में लिखा भी था कि इंस्टीट्यूशन की तो जिम्मेदारी है ही कि हम लोग फेयर रहें, लेकिन नेताओं की भी जिम्मेदारी है कि हमको ऐसे कॉर्नर न करें, ऐसी सिचुएशन में पुश न करें कि जिसकी वजह से कोई सवाल खड़े हो जाए। क्या आफत आ जाती है कि अगर 10 दिन पहले वो इलेक्शन डेट से अनाउंस हो जाती? कोई आफत ना आती। सारे जो फ्लड व्लड के ये सारे जो एक्सक्यूज़ हैं, ये इस पर डिबेट तो चलती रहेगी, लेकिन गरिमा को बचाए रखने के लिए सरकार को भी पूरा सहयोग देना चाहिए। ऐसा स्थिति में उनको डालनी नहीं चाहिए कि उन पर विवाद खड़ा हो। कुरैशी साहब, इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग सुना करते हैं जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चा में आया है इलेक्शन कमीशन तो टीएन सेशन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद, और उसके बाद एक के बाद एक जितने भी इलेक्शन कमिश्नर रहे, और जब आपका टेन्योर था एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के इतिहास में एक ग्लोरियस पीरियड था। और इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी ऑनेस्टी पर कोई क्वेश्चन नहीं लगा पाया, कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाया। क्या वजह रही कि जो पिछले मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, अभी जो रिटायर हुए हैं, उनकी निष्पक्षता डे वन से विवादों में रही, उनकी इंटीग्रिटी, उनकी निष्पक्षता? आप सब भी सिविल सर्विस से आए थे, आप सब भी अलग अलग सक्सेसिव गवर्नमेंट्स और डिस्पेंसेशन के साथ काम किए थे, अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन आप लोगों ने काम किया था। लेकिन जब आप इलेक्शन कमीशन में आए तो उसके बाद आपने अपनी मर्यादा में रहे, अपने आचरण को ध्यान रखा और इलेक्शन कमीशन का जो दायित्व तो था उसको सबसे ऊपर रखा। जब मैं भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और मुझसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उस वक्त भी हमको एक कमी का एहसास होता था कि हमको एक सरकार ने जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में उसने लगाया,
कितनी भी हम निष्पक्षता दिखाएं, जो दिखाते थे 100%, बल्कि मैं तो समझता हूं कि शायद मैं अपने ज़माने में कांग्रेस के साथ पे ज़्यादा मैं हार्श रहा हूँगा, सिर्फ अपनी को ये बताने के लिए कि मैं बिल्कुल उनके दबाव में आने वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने लगाया है, वो बात भी ठीक नहीं है। उस वक्त भी मुझे एक दो इंटरव्यूज़ में, करण थापड़ का इंटरव्यू सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आपको कैसा लगता है कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन सुषमा स्वराज ने भी आपकी अपॉइंटमेंट साइन की होती। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता, मैं एकदम मजबूत फील करता, क्योंकि एक कॉलेजियम सिस्टम जो है इंडिया में प्रचलित है, कितनी संस्थाओं के लिए ऑलरेडी वो कॉलेजियम सिस्टम है। CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CIC, ये दोनों तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ भी नहीं है, ये स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ हैं, इनके लिए कॉलेजियम है। डायरेक्टर CBI वो तो कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, वो तो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का एक हेड है, उसके लिए कॉलेजियम है, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस कॉलेजियम है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकली, यानी इलेक्शन कमीशन, उसके लिए कॉलेजियम क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम है। तो कॉलेजियम बना देना सबसे आसान चीज़ है, क्योंकि फिर उंगली नहीं उठ सकती। अगर कॉलेजियम के थ्रू यही ज्योति भी आए होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि ज्योति पे उंगली उठाते कि भाई तुम लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी तो इनको अप्रूव किया है। तो ये बाद में तो कंट्रोवर्शियल हो जाना दूसरी चीज़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम, जैसे मैं कहता हूँ कि होप इज़ नो स्ट्रैटेजी, कि हम उम्मीद करें कि ये आदमी ठीक रहेगा, ये स्ट्रैटेजी नहीं है। हमें इसको इंस्टीट्यूशनल चेक रखना पड़ेगा, और इंस्टीट्यूशनल चेक सबसे अच्छा ये है कि कॉलेजियम सिस्टम लाइए। क्या रुकावट है इसमें? देर क्यों है इसमें? 10-20 साल से ये बात कही जा रही है, लेकिन उसको कोई सोच ही क्यों नहीं रहा? तो रोज़ रोज़, वरना अभी तो जैसे शुरू हुआ है, अगले पे भी कोई उंगली ना उठा दे। हालांकि रावत साहब का तो जैसा सामने ट्रैक रिकॉर्ड हुआ, वो तो बहुत ही कॉन्शियंस, स्ट्रॉन्ग कॉन्शियंस। लेकिन ये भी देखा जाता है आपके इस जवाब में, एक चीज़ बहुत साफ है कि आप इस बात के वकालत कर रहे हैं कि अब आगे जो भी अपॉइंटमेंट हो वो कॉलेजियम सिस्टम से हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे कि बाकी संस्थाओं में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। ये क्या गारंटी है कि जो कॉलेजियम से आता है वो अब इंटीग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा? देखिए ये बात तो आपने ठीक है कि बहुत ज़्यादा गारंटी लेनी, क्योंकि डायरेक्टर CBI जो कॉलेजियम से आए थे उन पे भी उंगली उठ रही है, ये बात ठीक है। लेकिन कम से कम एक इंस्टीट्यूशनल अनदर एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है कि उसके बाद भी कोई बेमानी करे तो फिर तो पूरी नेशन देख रही है, और उसका असर तो बहुत बुरा होगा डेमोक्रेसी के लिए, देश के लिए बुरा होगा। जुडिशरी है, जुडिशरी भी तो हमारे हर ऑर्डर को देख सकती है। तो लेकिन एक बहुत डेफिनेट इम्प्रूवमेंट होगी ये कि अगर हम कॉलेजियम बना दें, कि परसेप्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, जनता के परसेप्शन के लिए कि ये न्यूट्रल लोग हैं, क्योंकि न्यूट्रल ही अपॉइंट किए गए हैं। एक दूसरा सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि EBM को लेके, कि EBM से छेड़छाड़ हो रही है, EBM की टेम्परिंग हो रही है, एक पार्टी विशेष के पक्ष में इलेक्शन कमीशन EBM का इस्तेमाल कर रहा है, और एक बार फिर मांग उठ रही है कि जो पुराना सिस्टम था बैलेट पेपर से मताधिकार का प्रयोग करने का, उसको दोबारा वापस किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कुरैशी साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम लोग चर्चा कर रहे थे EBM की निष्पक्षता पर, कि क्या EBM को टेम्पर किया जा सकता है, EBM को किसी पार्टी विशेष के लिए उस तरह की प्रोग्रामिंग की जा सकती है। आपने EBM के जरिए भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों में आपने चुनाव कराया था, और उसमें भारत के निर्वाचन आयोग को दुनिया के कई मुल्कों में आउटस्टैंडिंग माना गया था, उसकी निष्पक्षता, उसकी कार्यशैली, जो आपकी रहनुमाई में उस समय आयोग काम कर रहा था। आपका क्या मानना है कि इस समय जो आरोप लग रहे हैं EBM पर, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, EBM पे आरोप तो हर ज़माने में लगे हैं, हमेशा से, जिस दिन से ये शुरू हुई है, और वो बार बार वो कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। 1982 में जब सबसे पहले EBM शुरू हुई, उस वक्त कोर्ट में चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट तक गई कि साहब आप ये EBM शुरू कैसे कर सकते हैं, कानून में तो कहीं लिखा ही नहीं है, वहाँ तो बैलेट पेपर लिखा है।
हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ जी बताओ कैसे करोगे जो है ही नहीं। हमने कहा ठीक बात है हम वापस लेते हैं, पहले हम इसको एक्ट में डलवाते हैं, फिर एक्ट में डलवाया 1998 से हम कर रहे हैं। हर हर पार्टी ने किसी आपने किसी न किसी वक्त में इसको चैलेंज किया और उसी ईवीएम से जब वो जीत के आ गए तो चुप होकर बैठ जाते हैं। मुझे ये घटना याद है आपके टाइम की कि अडवाणी जी ने आरोप लगाए थे एक बार कि ईवीएम में बेईमानी हो रही जी है। जी जी सबसे पहला गंभीर आरोप अडवाणी जी का ही पूरी था। किताब आई थी उस पे कि हाँ डेमोक्रेसी इन डेंजर। डेंजर जी आपके ही टाइम में। जी फिर जी आपने उसका पूरा विस्तार जी से उसका क्लैरिफिकेशन दिया था मीडिया में भी, जी अदालतों में भी, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी आपने बुला के उनके सामने अपना पक्ष रखा था और कहा था कि इससे बढ़िया फुल प्रूफ मेथड नहीं हो सकता, इसको दुनिया के तमाम डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज भी अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हमको अब 18th सेंचुरी में न जाके 21st सेंचुरी के बारे में सोचना चाहिए। आज अडवाणी जी की पार्टी ईवीएम के पक्ष में है और बाकी दल कह रहे हैं कि नहीं हम 18th सेंचुरी वाले उसमें जाएंगे, बैलेट सिस्टम वापस आना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि यही होता रहा कि हर हर पार्टी ने अपोज किया और जब उसी से जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं। अभी तो फिलहाल बीजेपी को तो इसको डिफेंड करना पड़ा क्योंकि उनकी उस किताब का बड़ा जिक्र आया, लेकिन 2009 में आपने खुद ही कहा कि कितना अटैक किया था, पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ किया था, लेकिन वो सब चीज़ें गलत साबित हुई। और लेकिन अब इन एनी केस अब ये सारी चीज़ें हमारे पीछे चली गई क्योंकि अब हमने वीवीपैट जो शुरू कर दिया, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी एक पेपर की स्लिप भी पैदा हो जाएगी जो वो तो गायब नहीं हो जाएगी, तो आप मशीन से कंपेयर कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में शायद था, 13 में ये फैसला हुआ था कि हम वीवीपैट से हर इलेक्शन क्या करेंगे। और जो विद द रिजल्ट के 2014 का जो इलेक्शन था उसमें तो हमने सिर्फ 20,000 मशीनें जो बन पाई थी। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को एश्योरेंस दिए थे इलेक्शन कमीशन ने कि हम 2019 से हर इलेक्शन उससे करा पाएंगे वीवीपैट से, जिसकी तैयारी है। सरकार ने 3.5 साल लगाए वो पैसा रिलीज करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने 11 रिमाइंडर भेजे कि भाई दे दो। जो सुप्रीम कोर्ट बल यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट नोटिस तक गवर्नमेंट को दे दिया कि भाई आप ये इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। फाइनली 3,000 करोड़ ने दिए। अब फिर डर ये था कि अब जो बचे हुए 1.5 साल हैं उसमें 16 लाख मशीनें बन पाएंगी क्योंकि सिर्फ दो कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं जो बनाती हैं इसको। तो बना फॉर्चुनेटली मिस्टर रावत का ही कुछ दिनों पहले बयान आया था कि जी हमें एश्योरेंस है कि 2018 के सितंबर तक सारी मशीनें आ जाएंगी, यानी हम अगला इलेक्शन कम्प्लीटली इससे करा पाएंगे। तो वीवीपैट कहने से सिचुएशन अब बदल गई है क्योंकि मशीन में अगर आपने गड़बड़ भी कर दी लेकिन जो स्लिप है जो प्रिंटर के ऊपर एक स्क्रीन है उसके ऊपर आपने जिस कैंडिडेट को वोट दिया है उसका नाम आएगा, उसका सिंबल आएगी, उसका फोटो तक आएगा। अभी फैसला किया गया आप 7 सेकंड तक वो वहाँ रहेगा, आपको पता है कि जी मैंने इसी को दिया था, यही है, यही स्लिप कट के डब्बे में चली जाएगी। ज़रूरत के बाद स्लिपिंग गिन लीजिए और उसको कंपेयर कर लीजिए। यही हुआ तो जहाँ जहाँ अभी पिछले दिनों गुजरात में हिमाचल में यूज़ हुई सैम्पल, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने एक एक बूथ की ये कंपेरिजन किया, सब जगह ये ठीक निकला। हालांकि इस पर डिमांड ये है कि भाई एक काफ़ी नहीं है, एक से ज़्यादा, मैं भी चाहूँगा कि एक से ज़्यादा कर दें, कुछ फार्मूला बना दें। लेकिन जो कैंडिडेट हैं जो विनर है या टॉप 2 कैंडिडेट्स हैं उन्हीं में हार जीत का चूंकि फैसला होना है, उनको डिस्क्रिप्शन दे दीजिए कि भाई 2-3 मशीनें आप उंगली रख दोगे जी इनको आप गिन दीजिए तो हम गिन देंगे। तो पब्लिक विश्वास के लिए जो कुछ करना पड़े वो अच्छा है। थोड़ी सी उसमें एफर्ट, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जी इलेक्शन थोड़ा डिले होगा। अरे भाई पोल डे के बाद 5 दिन तक 4 दिन तक हम काउंटिंग नहीं करते, डिले करते हैं। फर्स्ट फेज से 7वें फेज तक हम 2.5 महीने वेट करते हैं, 4-6 घंटे अगर काउंटिंग की वजह से डिले हो जाएगा व्हाट इज द बिग डील। हाँ क्या प्रॉब्लम, पहले तो 3-3 दिन में रिजल्ट आता तीन तीन था। दिन में रिजल्ट आता तो पब्लिक के जो विश्वास है वो तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये छोटे मोटे इस पे विचार करके अच्छे ऐसे रूल बनाए जा सकते हैं जो सबको एक्सेप्टेबल हो। एक और चीज़ आपसे हम चाहते हैं कि आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि इसमें कितनी सच्चाई है कि चाहे जो भी सरकार हो, जिस भी पार्टी की सरकार हो, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने में, इलेक्शन कमीशन को फैसिलिटेट करने में, इलेक्शन कमीशन को रिसोर्स और लॉजिस्टिक मुहैया कराने में सब लगभग एक ही तरह का उनका रहा है कार्यशैली, चाहे वो NDA हो, UPA हो, फिर NDA हो,
वे लोग नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन साधन संपन्न हो, इलेक्शन कमीशन शक्तिमान हो, इलेक्शन कमीशन आत्मनिर्भर हो। इसमें क्या सबकी एक ही तरह की कार्यशैली रही है, क्योंकि आपने कई सरकारों को देखी है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये रहा है। जैसे ये जो डिमांड थी कि कॉलिजियम बनाया जाए, मिसाल के तौर पे कि कॉलिजियम बनाया जाए, अन्ना हजारे ने भी एक चिट्ठी लिखी मनमोहन सिंह जी को। मुझे बताया गया था कि जब मेरी अपॉइंटमेंट 2006 में हुई तो प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त कमेंट की थी कि लगता है कुरैशी की अपॉइंटमेंट ये अब आखिरी है और उसके बाद से हमें कॉलिजियम सिस्टम शुरू करना ही पड़ेगा। नहीं की, अब पछता रहे होंगे। तो इसलिए हो, सरकार असल में होता यह है कि उस वक्त कोई भी अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहता, और दूसरे ये वो ये समझते हैं कि वो हमेशा के लिए हैं। ये सोच बहुत बड़ी गलत है कि आज पावर में जो होता है उसने एक दिन जाना, जो चीज़ ऊपर जाती है नीचे गिरती ज़रूर है। तो इसलिए ये उनकी कोताही, ये उनकी एक नादानी है कि वो लॉन्ग टर्म नेशन के इंटरेस्ट में रिफॉर्म करने के बजाय वो अपना वक्ती तौर पे हमारा गेन क्या है, किसमें फ़ायदा क्या है, हमारी पार्टी को क्या फ़ायदा है, वो देखते हैं। ये सोच को बदलना होगा। एक और ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आने के बाद चर्चा करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के कामकाज में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस किस हद तक रहता है और आप जैसे लोग किस तरह से उस प्रेशर को रेसिस्ट करते हैं और अपना जो संवैधानिक दायित्व है उसका निर्वहन करते हैं। कुरैशी साहब, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता और उसकी एक तरह से हम कहें कि ऑटोनॉमी किसी तरह से कंप्रोमाइज ना हो, उसकी इंटीग्रिटी कंप्रोमाइज ना हो, उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह का प्रिकॉशंस लेना चाहिए। उससे भी बड़ा सवाल ये है कि हम सब सोसाइटी से ही जाते हैं, चाहे अलग अलग दायित्वों के निर्वहन के लिए जाएँ, अलग अलग पदों पर जाएँ। निर्वाचन आयोग में भी जो लोग जाते हैं वो इसी सोसाइटी के हिस्सा होते हैं, उनका भी सामाजिक जीवन होता है, उनकी भी अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता होती है रिश्तों की। ये कितनी सच्चाई है कि इलेक्शन कमीशन के लोगों पर पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा रहता है अपने हिसाब से इलेक्शन कमीशन को प्रभावित करने का, उनके फैसलों को प्रभावित करने का और अपने एक टूल के रूप में इस्तेमाल करने का, इसमें कितनी सच्चाई है? ज़्यादा सच्चाई तो नहीं, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था इतना इंडिपेंडेंट बनाया कि बेशक सरकार गवर्नमेंट ऑफ द डे हमको अपॉइंट ज़रूर करती है, लेकिन अपॉइंट करने के बाद वो हमको ऑर्डर नहीं दे सकती, हमको उससे डिस्टेंस करना पड़ता है। मैं IAS में था, एक साल मेरा बाकी था, मैंने रेजिग्नेशन दिया, रिज़ाइन करना पड़ता है ताकि सरकार से आपका नाता टूट जाए और आप इंडिपेंडेंट काम करें, ये उसका मकसद है। इसके मुताबिक ही लोग काम करते रहे हैं। उसके बावजूद सरकार की अगर कोशिश हो, वैसे तो तभी पॉलिटिकल पार्टियां दबाव डालने की कोशिश करती हैं, कोई भी काम उनकी मर्ज़ी के खिलाफ होता है एकदम डेलीगेशन आएगा, हाई पावर डेलीगेशन आएंगे, बड़े बड़े नेता उसमें आएंगे। अब दबाव में दबाव डालने की कोशिश एक चीज़ है, दबाव में आ जाना दूसरी चीज़ है। कोशिश तो सभी करते हैं और ख़ासतौर से गवर्नमेंट ऑफ द डे कर सकती है, लेकिन हमारी जो जॉब है उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है जुडिशरी के मुकाबले में डिफरेंट। अब जुडिशरी का कोई पब्लिक कॉन्टैक्ट नहीं होता, हमारा तो कॉन्टैक्ट ही पॉलिटिशन से, सुबह से शाम उनकी डेलीगेशन आएगा, कोई ये रिप्रेजेंटेशन आएगी, हमें उनसे डील भी करना है और बीच में दीवार भी खड़ी रखनी है। ये हमारा एक बैलेंसिंग एक्ट होता है जिसमें अब तक 70 साल से आपने देखा कि हमने इसको निभाया है। गवर्नमेंट ऑफ द डे को पर्टिकुलरली ये फीलिंग होती है उनमें से काफ़ी, उनके नेताओं को जो सीनियर टॉप लीडर्स हैं उनको नहीं होता, उनको ये वहम नहीं। उनके जो चमचे चेले हैं वो कहते हैं साहब इनको हमने लगाया था, ये हमारी बात नहीं मान रहा है, तो उनका जो वहम है उसको दूर करने की ज़रूरत होती है कि भाई आप उनको छू नहीं सकते। एक अभी कमी रह गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो रिमूव करने की पावर है इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप रिमूव नहीं कर सकते, लगा सकते हैं, रिमूव सिर्फ इम्पीचमेंट प्रोसेस के ज़रिए कर सकते हैं, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और हिंदुस्तान में 70 साल में आज तक कोई इम्पीचमेंट नहीं हुई। लेकिन जो दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी को ये प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, और ये नहीं कि जानबूझ के किसी ने उनसे रोक ली है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन बना था
उस वक्त सिर्फ एक ही वन पर्सन कमीशन था, वो प्रोटेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एज एन इंडिविजुअल नहीं थी, वो इंस्टीट्यूशन को थी। वो एक पर्सन वाला इंस्टीट्यूशन था, अब 3 पर्सन वाला इंस्टीट्यूशन है। अब इन दोनों को भी मिलनी चाहिए। ये दो जो हैं, इनके माइंड में जब तक ये प्रमोट ना हो जाए, इनके माइंड में अगर ये विचार रहे, वहम रहे, डर रहे कि यार अगर सरकार मुझसे खुश नहीं हुई और मुझको प्रमोट नहीं किया तो क्या होगा, ये डर बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये हटना चाहिए। वो अपने को प्रोबेशन पे फील करे, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इन द फर्स्ट प्लेस कॉलिजियम के जरिए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो, उसकी प्रमोशन सीनियोरिटी से हो, न कि दोबारा से सरकार फिर देखेगी कि काम अच्छा था कि नहीं था, चॉइस वो दोबारा चॉइस है कि नहीं। सो आफ्टर ऑल जजेस का भी तो ये है, एक दफ़ा आपने अपॉइंट कर दिया कॉलिजियम से, फिर सीनियोरिटी ऑपरेट करती है। यहाँ पे भी सीनियोरिटी ऑपरेट करनी चाहिए। सी या इन द इलेक्शन कमिश्नर्स को कभी ये महसूस ना हो कि मैं सरकार के ऑब्जर्वेशन में हूँ, अगर नाराज़ हो गई तो मुझे पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये ऑल्टरनेटिव। पर इस पर ये कॉमन सेंस की बातें हैं, सरकारें आती हैं सरकारें जाती हैं, इस पर क्यों नहीं गौर कर रही, मुझे नहीं समझ में आता। इस समय आम आदमी पार्टी को लेके काफ़ी चर्चा है, इलेक्शन कमीशन और आम आदमी पार्टी के बीच में, और पहले गुजरात चुनाव को लेकर था और अब आम आदमी पार्टी के जो विधायकों को बर्खास्त किया गया है उसको लेके है। इसमें आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया, जो अपॉर्चुनिटी दी, वो पर्याप्त थी आम आदमी पार्टी के लिए? इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी कार्रवाई हुई है और वो एकदम संविधान सम्मत है और नियम सम्मत है? देखिए, एक तो इस पे ज़्यादा तफसील से तो चर्चा या कमेंट करना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये सब जुडिस है, ये अब हाई कोर्ट में चला गया केस, और क्वाज़ाई जुडिशल ऑर्डर जो होते हैं वो लीगल जुडिशल ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन आज मैं रावत साहब का बयान पढ़ रहा था जो नए सीईसी बने हैं, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि साहब ये कहना कि जी हमको तो हियरिंग नहीं दी गई, जो हमने पढ़ा था अखबार में कि इनको तो कहा गया था कि हम आपको इन ड्यू कोर्स बुलाएंगे और हियरिंग देंगे, और इनको हियरिंग नहीं दी गई। उस वक्त तो ये लगा कि ये केस बड़ा कुछ लीगली कमज़ोर पड़ जाएगा और आम आदमी के फेवर में जाएगा, क्योंकि नेचुरल जस्टिस बेसिक प्रिंसिपल है कानून का कि आपने दूसरे को सुनवाई की, उसको मौका दिया अपनी बात एक्सप्लेन करने का कि नहीं। हमने देखा है 25 साल बाद जो आदमी सस्पेंड या डिसमिस हुआ था, 25 साल बाद कोर्ट ने कहा कि साहब आपने इसको हियरिंग नहीं दी थी, इसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी, ड्यू अपॉर्चुनिटी, तो आप इसको वापस लीजिए और पूरे 25 साल की तनख्वाह दीजिए, जबकि उसने 25 साल में दूसरी नौकरी भी कर ली। इस हद तक कोर्ट में इस मामले में सख्त होती है। तो नेचुरल जस्टिस के डिमांड के भी इनको अपॉर्चुनिटी मिली हुई तो है। इनका कहना था हमको अपॉर्चुनिटी दी नहीं गई, हमारी तो सुनवाई नहीं हुई। सीसी ने आज वजाहत किया कि जी इनको 2 मौके दिए गए थे कि साहब आप उस ऑर्डर के बाद जून 2017 के कि साहब आप अपना बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, तो लिखित में, तो उन्होंने हियरिंग की दरख्वास्त नहीं की कि जी हमको हियर किया जाए, शायद लिखित में जवाब दिया या नहीं दिया। उनका कहना है कि जी हमने 2 मौके दिए थे। तो बहरहाल ये फैसला तो अब अदालत करी देगी, क्योंकि ये इशू ज़रा कंट्रोवर्शियल हो सकता था। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है कि कई बार इलेक्शन कमीशन या उनके जो अधिकारी हैं ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं? इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, खास तौर से रिटर्निंग ऑफिसर, जब वो सर्टिफिकेट देना होता है काउंटिंग के बाद? नहीं नहीं, उनकी तो हिम्मत नहीं है, इतना ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें तो ऐसी कोई कंप्लेंट आई नहीं, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस जब हम रिटर्निंग अफसर लगाते हैं या कोई भी अफसर लगाते हैं, उसकी बड़ी छानबीन करके लगाते हैं। यही तो हमारी स्किल है कि 1,10,00,000 के करीब स्टाफ होता है हमारा, सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, लेकिन उसकी जो छटाई है वो उसका स्किल हमने डिवेलप किया हुआ है कि एक तो जो भी जिसकी रेपुटेशन ख़राब है या जिसके बारे में कंप्लेंट है उसको बाहर, जो अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में है उसको वहाँ से बाहर, जो शख्स 3 साल से वहाँ पर पोस्टेड है उसको बाहर। पॉलिटिशियन ने चला कि क्या करने शुरू की कि SP एक DM को 5 साल लगा दिया, सारी एक एक चीज़ की उसको कंट्रोल हो गया, और इलेक्शन से 6 महीने पहले उसको हटा दिया, 1 महीने पहले दोबारा वापस लिया है। अब जब हम लिस्ट बुलाते हैं, बताओ भाई SP साहब DM साहब आप कितने दिन पहले आप यहाँ, कहिए 1 महीने पहले, तो हम तो बेवकूफ़ बन जाएंगे जी 1 महीने पहले आए तो नए नए हैं, ये भूल जाते हैं कि जी इससे पहले ये तो 4 साल रह चुके।
तो हमने रूल बदला कि अगर आप पिछले चार साल में से तीन साल अगर यहाँ रह चुके हैं तब भी आप नहीं रह सकते उस क्राइटेरिया में आ जाए, उस क्राइटेरिया में आके। तो इसलिए हमारी कोशिश, और आखिर में हम करते हैं कि अपोजिशन पार्टीज के हर पार्टी को, अपोजिशन या रूलिंग पार्टी सबको बुलाते हैं एक बार में जब इलेक्शन शुरू होता है कि भाई आप अपनी विश लिस्ट दीजिए और आप अपनी कंप्लेंट लिस्ट दीजिए कि किन किन अफसरों पर आपको शुभ है। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि लास्ट मिनट में हम उनको देते हैं, ये लोग 10-10, 20-20, 30-30 नाम लेके आते हैं कि जी ये DM, ये SP, हम उसकी क्विक इंक्वायरी करके और अपोजिशन को के इस लिस्ट को तो हम ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, अगर उन्होंने 5 ट्रांसफ़र मांगे तो शायद हम 6 ही कर देंगे ताकि उसका ट्रस्ट सिस्टम में रहे, क्योंकि सिर्फ इस वजह वरना क्या कर जी ये DM ने SP ने बेईमानी कर दी। समटाइम हमको DM पे विश्वास है, SP पे विश्वास है, लेकिन अगर जनता वो पॉलिटिकल पार्टी पीछे पड़ी हुई है तो हम उसको बुला के कहते हैं कि भैया तुम इससे अच्छा जिला पूछ लो कौन सा चाहिए, हम उधर लगा देंगे, लेकिन रोज़ रोज़ की जो तुम्हारी इन पे एक दूसरे पे ये आपके फायरिंग रेंज में आपको रखेंगे उससे आप बच जाओगे। तो हमारा ये सिस्टम ऐसा इवॉल्व हो गया, किसी RO वगैरह की ऐसी हिम्मत हो नहीं सकता। दूसरे रिजल्ट अनाउंस करने के लिए हमने कई RO इसको मिसयूज, ये सब तजर्बे के बिना पे है, RO अगर बेईमानी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दे तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, इलेक्शन कमीशन की कोई पावर नहीं, पावर शिफ्ट हो जाती है हाई कोर्ट को इलेक्शन पिटिशन के जरिए। लेकिन वो करने ही ना पाए, हमने रूल ये बना दिया कि एक ऑब्जर्वर जो हम भेजते हैं ऑब्जर्वर के अप्रूवल के बिना वो रिजल्ट भी नहीं डिक्लेयर कर सकता, वरना कर कह सकता था। एक दुक्का दुक्का केस में हुआ कि उसने जल्दबाजी में बदमाशी में रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, अगर ठीक है लड़ते रहेंगे अगले 5-7-10 साल तक, क्योंकि केस तो लड़ा तब तक तो अगला चुनाव अगर तब तक तो अगला चुनाव आएगा, उसका हमने समाधान ये किया कि ऑब्जर्वर के पूछे बिना अप्रूवल के बिना वो ऑर्डर ही नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से बात करने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।